This conference will now be recorded. Hello and welcome back everybody. Piyush Patel here from Profit Swamage. दोस्तों तीसरी कंपनी जिसका रिजल्ट कल डिस्क्लेयर हुआ था वो है इंडसइंड बैंक, राइट? ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, तो लेटर डिस्कस दिस इंडसइंड बैंक रिजल्ट, राइट? पहले अगेन यहां पे मैं आपको बता दूं, सीधा अब कंट्रोल एफ करके मैं इंडसइंड पे जाता हूं, ये सारी बैंक आ गई। तो बैंक्स के रिजल्ट मैंने यहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, राइट? सी यू कैन सी मेजॉरिटी ऑफ योर बैंक्स रिजल्ट हियर। नाउ इन रिजल्ट में हम जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के ऊपर, चलिए। और ये एक्सेल शीट भी घबराओ नहीं, मैं आप लोगों को शेयर कर ही दूंगा वीडियो के नीचे। ये क्या है? पूरी बैंक का वर्ल्ड इंडिया का, राइट? चलिए, भारत में जितनी भी बैंक्स है, देखो एक तो क्या है कि भारत बैंक में बिल्कुल बैंकिंग में पेनेट्रेट नहीं था। इंडिया वॉज लो इन बैंकिंग पेनेट्रेशन, बहुत कम अकाउंट इंडिया में थे। तो जब 1980s में अलग अलग बैंक की शुरुआत हुई भारत में, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी, कुछ फाइनेंस की कंपनियों ने बैंकिंग की शुरुआत की। गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक तो बरसों से थी, जिसमें SBI, OBC, इंडियन बैंक, कई बैंक्स ऑलरेडी थी, पर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट बैंक्स उस समय शुरू हुई और धीमे धीमे ये लोग भी अपना ब्रांचेस बढ़ाने लगे। अभी भी हम देखें तो भारत में सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाली आपकी SBI बैंक है, राइट? ये जो SBI बैंक है उसके बाद का जो टर्नओवर है वो ICICI बैंक का है, 1,30,000 करोड़, HDFC बैंक 1,24,000 करोड़। यानी भारत की सिर्फ ये तीन बैंक है जो लाख करोड़ प्लस का धंधा कर रही है। जैसा हमने अभी पूरी इकोनॉमी की बात की थी कि भी चाइना और बाकी के कंट्री जैसे धीमे धीमे आगे बढ़े, तो हम लोग चाइना का जितने थे पहले, पर चाइना ने जो हमसे पहले काम करना स्टार्ट किया बैंकिंग में भी, वो हमसे पहले आगे निकल गए। वहां पे भी बहुत कम बैंकिंग था, उनकी भी बैंकिंग आज बहुत अच्छी हो गई है। तो देखो कुछ समय पहले अपने भारत में भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी बैंकिंग फॉर ऑल के लिए, कि भी सबके खाते होने चाहिए, राइट? प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत मजाक भी उड़ाया गया स्कीम का कि क्या कर रहे हो यार, ये सब गरीब लोगों के यूं ही अकाउंट खोलेंगे, कितना गवर्नमेंट बैंक पे प्रेशर आएगा, कितना बर्डन आएगा सर्वर पे, और उनके बैंक में कुछ पैसे तो होंगे नहीं। लेकिन एग्रेसिवली इस योजना को काम में लिया गया। दोस्तों रिजल्ट देखो आप, दुनिया में 5 साल में जितने अकाउंट खुले 50% भारत ने खोले। अब आप कह सकते हो कि उनका फायदा क्या हुआ बैंक को, उनका फायदा जबरदस्त हुआ। आज उन्हीं खातों में एवरेज 2,500 का बैलेंस मेंटेन है दोस्तों, राइट? तो जिनका मजाक उड़ाते थे आज वही लोगों के पैसे, वही पैसे तो आज बैंकिंग में आ चुके, नए पैसे। उससे अलावा और क्या हुआ, ये सारे लोग एक इंडस्ट्री से, एक फाइनेंस की कंपनियों से जुड़े, कल ये और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, कल यही लोग है जो आगे बढ़ेंगे। सो भारत में अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत से लोग हैं। हम अब तक 30 करोड़ लोगों को निकालने में सक्षम हुए हैं, पर दोस्तों 2030 तक भारत में खाली 5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लोन रहेंगे, बाकी सारी जनसंख्या को भारत, GDP का जो इतना ग्रोथ हो रहा है उसमें भारत उन सबको बाहर निकाल सकेगी। तो सबसे गरीब को फायदा, जो मिडिल क्लास में आज है 75% भारत, वो हायर मिडिल क्लास रिच में आएगा, उनको फायदा, उनके पैसे बैंकिंग में रहेंगे, ये एक बैंकों को फायदा, उनके पैसे और इन्वेस्ट होंगे तो इन्हीं की इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा, इन्हीं की AMCO को फायदा। आज का जो व्यक्ति जो ऑलमोस्ट एवरेज 20-25 लाख की जो लोन लेता है, यही व्यक्ति 1 करोड़ की एवरेज लोन लेगा दोस्तों, ये फायदे। तो बैंकिंग अच्छा बढ़ेगा दोस्तों आने वाले समय में भी, ये बढ़िया है। चाइना में आज उनके पास 5 बैंक ऐसी बन गई है, देखो वो लोग की बैंकिंग भी हमारे साथ शुरू हुई थी, पर रिफॉर्म उनके हमसे 20 साल पहले थे। हमने IBC अभी लागू किया, वहां बरसों से है, राइट? तो बैंकिंग बढ़िया बढ़ा। अब इससे उनको क्या फायदा हुआ, उनका भी पॉपुलेशन हम जितना, पर उनके लोगों के पास अच्छे पैसे, एवरेज चाइनीज एवरेज इंडियन से 5 गुना ज्यादा पैसे कमाता है, तो खर्चता भी है। उनको फायदा क्या हुआ, उनकी 5 बैंक आज 2,00,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, अपनी 3 बैंक 1,00,000 करोड़ का धंधा कर रही है। कितना पीछे रह गए दोस्तों,
दुख होता है इस चीज पे, पर खुशी भी होती है कि चलो हम बढ़ भी रहे हैं बहुत तेजी से, और ये बहुत बड़े फासले नहीं है, इनको हम आने वाले 15-20 साल में कवर करेंगे, और हम सबको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये कमेंट कमेंट करना काम नहीं लगेगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे खाली कि सरकार ये कर रही है, इसका वो कर रही है, खराब कर रही है। कॉन्ट्रीब्यूट करो यार, 20 साल आगे निकल गई है चाइना, हम सबको कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले समय में भारत दुनिया की पहली दूसरी तीसरी इकोनॉमी में आएंगे। लेट अस स्टॉप दिस ऑल कमेंटिंग एंड लेट अस फोकस ऑन अवर वर्क। जो धंधा में कर रहा हूं उसको मैं नंबर वन ले जाऊं, जो पे जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं मैं अपनी कंपनी को नंबर वन ले जाऊं, राइट। आज अगर हम 1 लाख करोड़ की ही कंपनी भारत में देख रहे हैं, याद रखना यही हाल चाइना का था, यही हाल बाकी जो कंट्री डेवलप हुई है उनका था। आज चाइना की मैंने बताया प्रॉफिट, देखो भारत में HDFC बैंक ही है खाली जो 10,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, राइट। 22,000-23,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। ICICI बैंक की NPA जबरदस्त खराब है, कब से, आज से नहीं, हम तो 8 साल से कह रहे, 6.5% NPA, राइट। ऑलमोस्ट SBI जैसी हुई कि नहीं इनकी NPA, तो प्राइवेट जैसा क्या है यहाँ पे। HDFC बैंक ओनली 1.5% NPA, सो दिस इज अ गोल्ड माइन, राइट। और इसीलिए ये 23,000 करोड़ का धंधा प्रॉफिट कम धंधे में कर रहे हैं, ये जानदार धंधे के बाद भी खाली 5,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। इससे तो मेरे ख्याल से कोटक बैंक अच्छी, जो खाली 50,000 करोड़ के धंधे पे 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। मेरे ख्याल से कोटक बैंक आने वाले 5-1 साल में ओवरटेक कर लेगी, राइट, ये बढ़िया बढ़ेगी। अब SBI या गवर्नमेंट बैंक जितनी हम देखे मेजोरिटी लॉस कर रही है, SBI इस बार प्रॉफिट आई, और मैं आशा रखता हूं कि ये 2 साल में ये आंकड़ा, इधर आप 3,000 करोड़ देख रहे हो ना प्रॉफिट का, हम 3 साल में SBI को 30,000 करोड़ पे देखेंगे, क्योंकि NPA इंप्रूवमेंट पे है। ये 6 महीना और खराब रहेगा, अभी से इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो जाने का, ये तो मैं लॉन्ग पिक्चर बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म में बैंकिंग खराब है। बैंकिंग क्यों खराब है, क्योंकि पूरे दुनिया में ग्लोबल मेल्टडाउन है। जब ग्लोबली मेल्टडाउन होता है, वर्ल्ड पूरा 3.1 तक अगर ग्रोथ करता है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी जो 8-8% पे थी, ये 6-6% आ जाएगी, तो भारत का भी ग्रोथ घटेगा, चाइना का भी ग्रोथ घटा है, हम सबका अगर ग्रोथ घटा, तो जो इंडस्ट्री भारत में जो अच्छी बढ़ रही है वो थोड़ी कम बढ़ेगी, पर जो ऑलरेडी 8% ग्रोथ पे भी बीमार में हालत में थी, उन लोगों का ग्रोथ जब सोचो जरा कैसा रहेगा। वो लोग पहले भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, मुश्किल से 1 साल प्रॉफिट करेंगे, 3 साल लॉस करेंगे, उनका क्या होगा अगर ये ग्लोबल मेल्टडाउन आता है। तो एनपीए तो बढ़नी ही है, गवर्नमेंट की नहीं प्राइवेट की भी, और यही एनपीए के तहत यस बैंक का नंबर लग गया, आरबीएल का लगा नहीं है, पर आरबीएल का लगेगा, इंडसइंड बैंक का लगा नहीं है, पर इनके भी एनपीए बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे हाई क्वालिटी लोन तो ये सब बढ़िया कंपनियां ले लेती है, HDFC कोटक जैसी कंपनियों में सब बेस्ट लोन आती है। हो सकता है जो गवर्नमेंट की बैंक में विश्वास करते हैं वो SBI में भी लोन लेते हैं, फिर बाकी बैंकों के पास क्या जाता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज जाता है, तो एनपीए पहले उनके में बढ़ने के चांसेस होते हैं, राइट। देखो यस बैंक का लिखा है क्या मैंने इधर, यस बैंक कितनी एनपीए, अगेन 5%, गवर्नमेंट जैसी एनपीए हो गई इन लोगों की, है ना। तो क्वार्टर वन में ही हमने पिछले साल ही बोल दिया था ना कि भाई अच्छी नहीं रहेगी यस बैंक, ये एनपीए हमको कबूल नहीं है, जब HDFC कोटक और इवन इंडसइंड इतना अच्छा कर रहे तब, राइट ना। तो इंडसइंड आप देखो तो टॉप 10 में है क्या, नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बैंकों में से एक नहीं है, यस ये छोटी बैंकों में आएगी, पर हाँ इनके फंडामेंटल छोटी बैंकों जैसे नहीं है, इनके फंडामेंटल बाकी छोटी से तो बहुत अच्छे है, पिछले 20 साल ये भी फायदा उठा सकी, तो देखो ये फायदा तो सबने उठाया यार, यस बैंक ने भी उठाया था पूरे ग्रोथ का, बराबर की नहीं, तो इंडसइंड ने भी उठाया है 25-30% से ये लोग बढ़े हैं। इस साल क्वार्टर 1 में इंडसइंड बैंक का धंधा 35% से बढ़ा था और प्रॉफिट 38% से क्वार्टर 1 में बढ़ा था, जो हमने ऑलरेडी अपडेट किया था। इनके एनपीए डबल हुए थे इस साल क्वार्टर 1 में ही, देखो पर बहुत कम थे, 1.15 का 2.15, तो यस बैंक जैसा हाल नहीं है, कम ही एनपीए है पर डबल तो हुए,
तो एक कॉशियसनेस आती है, नेगेटिविटी आती है. क्यों आती है? क्योंकि अगेन छोटों में है ये लोग. एच वन के रिजल्ट आए, धंधा बरकरार है. 33% से हम मानेंगे कि ये इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है. बैंक को आप एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ही गिनोगे, पर एनपीए के वजह से थोड़े प्रॉफिट घटेंगे. प्रॉफिट इनके फिर भी 45% बढ़े, सो दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, राइट. 38 के बदले 45 बढ़े, यानी आपके एक्सपेक्टेशन पे ये खरा उतरा है. लेकिन एनपीए इनके डबल हुए है, 1 से 2% एनपीए. फिर भी क्या ये यस बैंक है? बिल्कुल नहीं है. क्या यह आईसीआईसी बैंक जैसे एनपीए? बिल्कुल नहीं है. पर आईसीआईसी बैंक के पास बड़ा कारोबार है, राइट. इनके पास उतना बड़ा कारोबार नहीं है. इसीलिए दोस्तों ये शेयर यस बैंक जितना नहीं टूटा है, पर टूटा जरूर है. पर एचडीएफसी बैंक जो गोल्डन एनपीए के साथ चल रहा है, क्या वो टूटा है? वो दोस्तों गोल्ड है. कुटक और एचडीएफसी आर बेस्ट अमंग दिस बैंकिंग इंडस्ट्री. देखो मैं इसको चार्ट से देखता हूं, एक मिनट. चार्ट से पहले थोड़े फंडामेंटली मैं देख लूं. इंडसइंड बैंक का ईपीएस 54 है, हम इस साल 80 का ईपीएस आशा रखेंगे. तो 17 का पीई है, 16 का मार्जिन है, अगेन गुड मार्जिन, राइट. 5 का आरओई है. एनपीए हमने ऑलरेडी देख लिया 2, यानी देखो आईडीबीआई तो यार 30% एनपीए क्या होगा. आईओबी 22%. अब इनसे तो कंपेयर करेंगे नहीं इंडसइंड को. इंडसइंड को हमको कंपेयर करना चाहिए यस बैंक के साथ काले, बराबर. देखो आरबीएल के भी एनपीए कम ही है, पर पिछले क्वार्टर के कमेंट में इन्होंने कहा था कि हमारे एनपीए बढ़ेंगे, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं कि आरबीएल खराब है यार, पूरा ग्लोबल टर्न डाउन है. कमाएंगे नहीं लोग, कंपनियां कमाएगी नहीं तो कहां से हफ्ते भरेगी यार, राइट. 23% के सीएजीआर से इन्होंने पिछले 20 साल में रिटर्न दिया है. दोस्तों 20 साल से जब कोई 20% के सीएजीआर से जब कोई कंपनी 20 साल रिटर्न देती है ना, तो 20% सीएजीआर नहीं हुआ, 20 गुना पैसे करके दिए इन लोगों ने. 20 नहीं, 25 गुना. ये 15% जितना डिविडेंड बांटती है. देखो कंसिस्टेंट कैश फ्लो, एक साल ऐसा नहीं है जो इंडसइंड ने लॉस किया है. तो छोटों में तो सबसे बढ़िया है इंडसइंड बैंक, राइट. ये भाव पे 6% का यील्ड बनता है, राइट. सो इट इज डेफिनेटली अगेन अ गुड थिंग. मुझे क्या करना चाहिए पता है? देखो मैं इंडसइंड को मुझे डालने दो चार्ट में, इंडसइंड बैंक. तो मेरे पास बड़े में तो एचडीएफसी और कोटक ही है. देखो यस बैंक ऐसी टूटी है, ये वाई मोड में टूटी. इसको हम कहते हैं वाई. सबसे अच्छी बैंक डब्ल्यू बना रही है, एचडीएफसी और कोटक ऐसे ऐसे चल रही है. करेक्शन में तो पूरी दुनिया है, राइट. जो सेकंड नंबर की अच्छी है वो वाई बना रही है. तो जितना इधर टूटी उतना इधर टूटना है इसको, राइट. आप 1021 का भाव डायरी में लिख दो, 1000 रुपए पे इंडसइंड जरूर ऐड करने चाहिए, राइट. मान लो दुनिया की खराबी और चलती है तो 782 पे भी और ऐड करो. अभी 1000 रुपया ध्यान में रखो, 1000 से 782 डेफिनेटली बढ़िया प्राइस है लेने का. जो लोग यहां लेंगे वो लोग इसको 5000 पे भी बेच सकेंगे, राइट. लेकिन सबसे पहले कौन चलेगी? एचडीएफसी एंड कोटक. ये चीज को याद रखो दोस्तों, राइट. तो यही सारी चीजें मैंने यहां पे भी लिखी हुई है, राइट फ्रेंड्स. सो लेट मी वाइंड अप दिस थिंग. थैंक यू वेरी मच. डिस्क्लोजर दे दूं, ये जितने भी रिजल्ट हमने दिए हैं दोस्तों, सीधा ले नहीं लेने का. आप खुद इसकी थोड़ी पढ़ाई करो, थोड़ा देखो कि सही में लेना चाहिए कि नहीं. डिस्क्लोजर बिफोर बाइंग और सेलिंग शुड कंसल्ट विथ योर एडवाइजर. और सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज, खुद पे भरोसा रखे दूसरों से ज्यादा, राइट. थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. जय हिंद.